मैं आपका होस्ट और दोस्त इंडियन ट्रेंजर सिमुलेटर फैन क्लब में स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको देने वाला हूँ न्यू रूट, कोकन रूट है। इस रूट का क्रेडिट जाता है कोकन ट्रेंजर रूट मेकर को। डिस्क्रिप्शन में चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रूट अभी तक मतलब प्रॉपरली बना नहीं है, ऑलमोस्ट 75% काम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये version 1 है, version 2 अपडेट जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं आपको इस रूट का थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये फ्रेट ट्रेन है, ठीक है, जो कि डिपार्ट हो चुकी है। तो बाद में हम इसको अपने हाथ में ले लेंगे, अभी तो ये मैनुअल चल रहा है। और दोस्तों इसका आप चाहते हैं मैं एक्टिविटी लेके आऊँ, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जो कि लखनऊ टू बाराबंकी पेवियर एक्टिविटी है, सिर्फ 50 रुपीज़ में दोस्तों। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो एक्टिविटी कैसी है आपको पता चल जाएगा। 9 to 10 क्रॉसिंग है, एक राजधानी ओवरटेकिंग है, इसमें भी आपको मैं राजधानी ओवरटेकिंग दिखा दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपकी मेरे आने वाली न्यू और लेटेस्ट वीडियो और न्यू रूट आपको टाइम पे मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम यहाँ से डिपार्ट किए हैं पनवेल स्टेशन से। एक्चुअली दोस्तों ये छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा रूट है। ये रूट पनवेल से, एक्चुअली ये रूट है दादर से लेके रत्नागिरी तक, ठीक है। बट इसमें थोड़ा काम बाकी है, तो हम काम कर रहे हैं इस रूट पर, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, देखिए मैं मैनुअल चलाता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको कैब मोड दिखा देता हूँ, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पे एक आपको ओवरटेकिंग दिखने वाला है, ठीक है, ओवरटेकिंग सॉरी क्रॉसिंग दिखने वाली है राजधानी एक्सप्रेस की, ठीक है। तो आप दिल थाम के बैठिए, मस्त है। आपको अगर अच्छा लगा ये रूट, मस्त है दोस्तों, आप चाहे तो version 1 खेल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा भी दूंगा आपको आगे कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड हमें इंक्रीज़ करता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आपको अभी एक कर्विंग दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको ये कर देता हूँ, स्पीड में चलते हैं हम थोड़ा। तो आप मुझे खेल के दोस्तों बताइएगा रूट कैसा है, और अगर आप चाहते हैं मैं एक्टिविटी लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी एक्सप्रेस की आपको एक्टिविटी चाहिए कोकन रूट में, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रूट है, विदाउट लैग फ्री है, कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्ट का मैं बता दूँ तो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा, ठीक है, 600 या 700 MB का मिलेगा, लेकिन रूट एकदम कम है दोस्तों, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10-20 MB का रहेगा, ठीक है। तो एक कर्विंग देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कर्विंग कैसा लग रहा है आपको बताइएगा मुझे। अभी शायद से हम स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट वे, ठीक है। हमारी स्पीड लिमिट देख सकते हैं दोस्तों 160 है, अभी हम 120 पे ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं तो ड्रेल हो सकती है। और शायद से हमारा क्रॉसिंग होने वाला था राजधानी एक्सप्रेस के साथ, वो हुआ नहीं क्या, बहुत बड़ा रूट है दोस्तों, आप खेल सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है दायां पनवेल से भी रत्नागिरी जाने में ऑलमोस्ट 5 to 6 hours लगते हैं, आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको क्रॉसिंग दिखाने के बाद आपको मैं ले चलता हूँ डाउनलोड प्रोसेस के साथ। ये देखिए दोस्तों हमारी राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस करने वाली हमारी ट्रेन को, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फुल स्पीड में हो, वो भी हाई स्पीड में जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इधर ही इसको पॉज करता हूँ, चलता हूँ डाउनलोड प्रोसेस की तरफ। तो दोस्तों जैसे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि जीपे लिंक से हमें डाउनलोड करने में
प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जैसे ही जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ओपन होगा, तो आपको 10 सेकंड इसमें वेट करना है। ओके, टेन सेकेंड वेट करने के बाद आपको दोस्तों नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे आइए और आपको यहाँ पे ओपन एंड कंटिन्यू पे ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फटाक से आपको यहाँ पे कट करना है, ये देखिए यहाँ पे कट। लोड हो गया है, फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा टाइम मिलेगा लोड होने में। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर डबल टैप अगर ओपन होता है तो आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद आपको 15 सेकंड वेट करना है। ओके दोस्तों, हार्डली आपको 2 मिनट का काम होगा डाउनलोड करने का, और कैसे एक्सट्रैक्ट करना मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 15 सेकंड वेट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अनलॉक लिंक होगा, अनलॉक लिंक पे क्लिक कीजिए। फिर अगर डबल टैप ओपन होता है तो उसको बैक कीजिए। बैक करने के बाद जैसे ही पूरा लोड हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको गेट लिंक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बस होने ही वाला है, जस्ट ये देखिए गेट लिंक का ऑप्शन आ गया। फिर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ड्राइव में भेज दिया जाएगा, ठीक है। H00 देखिए मैंने ऑलरेडी हैश बना हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको 52 MB का है, ठीक है, बट 52 MB का नहीं है। ओके तो दोस्तों इसको डाउनलोड होने देते हैं, ये रूट को। दोस्तों आपके नेट के स्पीड के ऊपर रहेगा कि कितना फास्ट आपका डाउनलोड हो सकता है। ओके अभी तो मेरा नेट बराबर चल रहे हैं। तो दोस्तों आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा यहाँ डाउनलोड हो चुका है, मैं ZHU में चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों आ गया। फिर आपको क्या करना है, इसको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कीजिए। उसके बाद एंड्रॉयड डेटा com.n3v गेम्स फाइल्स यूज़र डेटा, फिर ओरिजिनल में जाके आपको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड क्या डालना है आपको, देख सकते हैं आप, कॉपी राइट बाय नीतेश, ठीक है दोस्तों। ये कर देंगे आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक करूँ, उसके बाद कैचे को डिलीट कर दूँ, आपके ऊपर है करना है नहीं करना, बट asset.tds को मत छोड़ना, ठीक है। इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट करना है आपको, बैक आ जाओ। बैक आने के बाद जैसे मैं एक गेम क्लोज़ कर देता हूँ, फिर आप गेम के अंदर आओ। गेम के अंदर आने के बाद आपको ये ऑलरेडी स्कैन करेगा। दोस्तों थोड़ा टाइम लग सकता है स्कैन करने में, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्कैन हो गया, फिर आपको रूट में जाना है। रूट में जाने के बाद देख सकते हैं GOV, ठीक है, GOV ऑटो से पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। ओके तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले होता है कि नहीं। दोस्तों लैग फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके और अगर आप चाहते हैं इसका मैं एक्टिविटी लेके आऊँ, तो कौन सी एक्सप्रेस की एक्टिविटी लेके आऊँ, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों जहाँ थे हम वहीं आ गए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू रूट के साथ, न्यू कंटेंट के साथ,
और अगर आपने पेवेयर एक्टिविटी नहीं खेली तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।